जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे, और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, यदि आपको कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके हर काम में टांग अड़ा देता है, कोई भी काम आपका वो शांतिपूर्ण तरीके से होने नहीं देता है, ऐसे लोग आपके कामकाज के स्थल पर हो सकते हैं या ऐसे लोग आपके घर परिवार में हो सकते हैं जो आपकी किसी से बनने नहीं देते, आपके पीठ पीछे इतनी कानाफूसी करते हैं कि आप सही होते हैं फिर भी लोग आपको गलत समझने लग जाते हैं। ऐसे लोग बड़ी ही चतुराई से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला आपकी सच्चाई को भूल जाता है और उनकी लीपापोसी को ही सच मानने लग जाता है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस उपाय को आजमा करके देखिए। यदि आपके किसी ने काम बिगाड़ने के लिए कुछ किया है या आपका पैसा टका रोकने के लिए कुछ किया है तो इस उपाय को करने से वो सारी ही परेशानियां, वो सारी ही किल्लत आपकी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको इस उपाय को सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन आप कहीं से भी एक धतूरे का फल ले आइए। धतूरे का फल आपको लेकर के आना है। अब इसमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसे उपाय बताएं जो सिर्फ घर में हो सके, तो मैंने वैसे भी उपाय बताए हैं, लेकिन यदि आपको तकलीफ है तो आपको थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे उपाय भी आपको करने पड़ेंगे जिसमें आपको घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और तभी वो उपाय संभव हो पाएंगे, अन्यथा आपको जो अनुकूल हो वो उपाय आप अजमा करके कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक धतूरे का फल लेकर के आना है सोमवार के दिन, और उसको जाकर के आपके नज़दीक में कहीं पर भी शिवलिंग हो तो वहां पर उसको चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए आपके जो कोई भी आप नाम लेते हो वो नाम लेकर के उसको चढ़ा दीजिए। 5 मिनट वहां पर बैठिए और ध्यान धरिए। आपकी जो कोई भी समस्या है, परेशानी है, उसके बारे में वहां बैठ करके थोड़ा सा ध्यान धरिए। अब उस धतूरे को आप वहां से लेकर के आ जाइए। जो आपने चढ़ाया था, जो परेशानी का ध्यान धर के चढ़ाया था, उसी धतूरे को आपको लेकर के आ जाना है। भोलेनाथ का प्रसाद समझकर उसको आप लेकर के आ जाएं। अब उसको घर में लेकर के आकर आप आपके घर का जो कोई भी दक्षिण दिशा है उस दिशा में आप मुख करके बैठ जाएं। मतलब आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और थोड़ा सा तिल का तेल लेकर के इस धतूरे को आप जला दीजिए। नाम मात्र का तेल लेना है और इस धतूरे को आपको जला देना है। इतना ही तेल लेना है कि वो गीला ना हो, संपूर्ण रूप से उसकी राख बन जाए, इस तरह से आपको उसको जलाना है। धतूरे को आप जला दीजिए। अब इस धतूरे की जो राख बनी है, इस राख को आप अपने पास में रख लें, आपके पड़ी के किसी भी एक पुड़िया बना लें, पड़ीका बना लें और आपके पास में रख लें। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, परेशान करने वाला है, या इस व्यक्ति के कारण आपका काम रुकने वाला है, ऐसा लगता है आपको, तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कागज में उसी राख से सामने वाले व्यक्ति का आपको नाम लिख लेना है। जो कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उस व्यक्ति का आपको उसी राख से नाम लिख लेना है। इसमें पानी वगैरह कुछ मिलाना आपको नहीं है, गीला नहीं करना है, उस राख से नाम लिखना है। फिर भले वो नाम इकट्ठा हो जाए ये नहीं सोचना है, सिर्फ आपको उस राख से नाम लिख लेना है। अब ये जो कागज है आपके पास में नाम लिखा हुआ, संपूर्ण राख नहीं, जिसमें आपने नाम लिखा है, इस कागज को आप कहीं भी अपने घर से बाहर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दें। समझ लीजिए, उस व्यक्ति के जो भी आपके प्रति नेगेटिव विचार थे वो वहीं दफन हो गए। अब वो लाख कोशिश करेगा लेकिन आपके खिलाफ बोल नहीं पाएगा, इतना प्रभावशाली टोटका है ये। तो
तो यदि आप किसी व्यक्ति से परेशान हैं तो इस उपाय को अवश्य करें, फिर वो व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।